हाल ही में बॉलीवुड से काफी दुखद खबर सामने आई थी, जो कि अजय देवगन के पिता वीरू देवगन के निधन की खबर थी। इनके निधन की खबर से जहां तमाम बॉलीवुड सितारे सदमे में हैं, तो वहीं अजय देवगन पर क्या बीत रही होगी इस बात का अंदाजा शायद आप और हम लगा भी ना पाए। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात कर लेते हैं आप सभी से अमिताभ बच्चन की कुछ यादगार लम्हे वीरू देवगन के साथ, और साथ ही बात कर लेते हैं किस तरीके से अमिताभ बच्चन खुद बेहद ज्यादा भावुक हुए हैं अजय देवगन के पिता वीरू देवगन के निधन पर। इसी बीच आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार कैसी दोस्ती अमिताभ बच्चन और साथ ही साथ अजय देवगन के पिता वीरू देवगन के बीच रही है, और किस तरीके से सहारा देते हुए अमिताभ बच्चन जो है अजय देवगन के गले लगे हैं। डालने सर इस रिपोर्ट पर। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिसकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, और अमिताभ बच्चन का नाम एक बार फिर से काफी ज्यादा लिया जा रहा है। दरअसल हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्शन कोरियोग्राफर अजय देवगन के पिता वीरू देवगन की 27 मई को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वीरू के निधन के बाद से बॉलीवुड में शोक की लहर है। वीरू के अंतिम संस्कार में ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, सनी देओल के साथ साथ अमिताभ बच्चन जैसे तमाम सितारे मौजूद रहे। वीरू देवगन बच्चन परिवार के बेहद ज्यादा करीबी रहे हैं। उनके जाने की खबर सुनकर अमिताभ को जबरदस्त झटका लगा। अपने दोस्त को खो देने का गम बिग्बी ने एक ब्लॉग में लिखा। दरअसल अमिताभ वीरू देवगन के अंतिम संस्कार में अपनी फिल्म की शूटिंग को छोड़कर पहुंचे थे। अपने दोस्त वीरू के जाने से दुखी अमिताभ ने बेहद ज्यादा इमोशनल नोट भी लिखा। जलती चिता के सामने बैठना, राख को साथ ले जाने के लिए इंतजार करना, अपने करीबी को जाते देखना, बाबूजी, माँ जी, फिर एक नए दिन की शुरुआत और नया काम। अमिताभ ने आगे वीरू संग अपनी पहली मुलाकात और काम के अनुभव के बारे में बताया। अमिताभ ने लिखा, मैं उनसे पहली बार राजस्थान के एक छोटे से गांव पोशीना में मिला था। मुझे याद है मेरी फिल्म रेशमा और शेरा की, जब खन्ना साहब डमी के साथ एक्शन सीन का रिहर्सल कर रहे थे। सीन में सुनील दत्त साहब फिल्म के लीड हीरो थे, जिन्हें गांव के नेगेटिव किरदार से पिटना था। वो लीडिंग मैन की तरह सीन को कर रहे थे। सीन के बारे में डिटेल जानकारी देते हुए अमिताभ ने लिखा, मुझे अच्छी तरह याद है रेत में शूटिंग के दौरान खन्ना साहब कितने दर्द में शूटिंग कर रहे थे। उनके चेहरे का वो दर्द याद है, लेकिन वो लगातार डमी के साथ सीन रिहर्सल पूरी परफेक्शन के साथ कर रहे थे। अमिताभ ने लिखा, फिर एक दिन हमने उन्हें यानी कि वीरू को खो दिया। वीरू देवगन बहुत ही शानदार एक्शन डायरेक्टर रहे, जिन्होंने एक्शन में नए तरह का इनोवेशन किया, सिर्फ नए तरीके से करने के साथ उसे परफेक्शन के साथ पूरा किया। अमिताभ के मुताबिक वीरू ने दूसरे स्टंटमैन के लिए नौकरी के रास्ते खोले। कितने ऐसे स्टंटमैन हैं जो कि आज डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गए हैं। वीरू जी खुद भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बने। अमिताभ के मुताबिक वीरू जी ने इंडस्ट्री को ग्रूम किया, नया परफेक्शन दिया। उनका सबसे फाइन टैलेंट है अजय देवगन। हमने कई फिल्मों में साथ काम किया। मेरी ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने एक्शन सीन दिए। वीरू पंजाब से थे, सेट पर मेरा वेलकम भी उसी अंदाज में किया करते थे। मुझे अमिताभ सिंघिया कहकर बुलाते थे। अमिताभ ने लिखा, वीरू जी के जाने से मेरे लिए एक सदमे की तरह है। जब मुझे खबर मिली उस वक्त चेहरे की शूटिंग कर रहा था, मैंने काम रोक दिया। पूरी टीम ने उनके सम्मान के लिए 2 मिनट का मौन रखा। काम खत्म होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में गया। वहां पहुंचकर सारी चीजें घूमने लगी, कैसे वो काम करते थे, वक्त कैसे बीत जाता है जो कभी वापस नहीं आता, बस रह जाती हैं यादें। इसी तरीके से अमिताभ बच्चन ने याद किया है अजय देवगन के पिता को, और साथ ही काफी ज्यादा भावुक बीवियों होते हुए नजर आए हैं इन तमाम पोस्ट में। साथ ही तस्वीर जो आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में भी देख पा रहे होंगे, इन तस्वीरों में अजय देवगन को बहुत ज्यादा जोर से हग भी किया होगा अमिताभ बच्चन ने, जैसे कि उनको पूरे तरीके से सहारा दे रहे हैं अमिताभ बच्चन। जनाब सभी ने आखिरकार अमिताभ बच्चन का क्या रिएक्शन रहा वीरू देवगन के जाने पर, और साथ ही क्या रिएक्शन रहा अमिताभ बच्चन का अजय देवगन को लेकर।
अजय देवगन का पूरे तरीके से सहारा बने हुए इस दौरान वो नजर आए तो वही खुद भी भावुक हो गए, खुद भी इमोशनल हो गए और साथ ही खुद भी याद करने लग गए वीरू देवगन को। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।